हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। हिंदी एथनिक में आपका स्वागत है। आज मैं चौड़ी लेस गले पे कैसे अटैच करें, ये देख सकते हैं। ये दो तरह के गले हैं, इन पे चौड़ी लेस हम कैसे अटैच कर सकते हैं वो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो ये देखिए हमारी लेस है, और इसको हम कैसे घुमा देंगे, कैसे इसका कोना बनाएंगे वो दिखाऊंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर वाला जो गला है वो ले लेंगे, और शुरुआत से इस तरह से लेस लगाना शुरू करेंगे। सिंपली इस तरह से लेस लगाना शुरू करना है आपको, और लेस लगाते हुए कॉर्नर तक आपको ले जाना है, एकदम नीचे कॉर्नर तक, इस पॉइंट तक आपको लेके आना है। यहाँ ले आने के बाद आप निडल रोक दीजिए। उसके बाद हम अपनी लेस को नापेंगे कितनी इंच की चौड़ी है। तो मेरी लेस 1 इंच चौड़ी है, तो पहले आप मार्क कर लीजिए। फिर इस तरह से उठाइए, जो कॉर्नर है वहाँ से नीचे डाउन साइड में 1 इंच पे आप मार्क कर लीजिए इस तरह से, और निडल को अभी निकाल लीजिए आप। जो भी यहाँ देख सकते हैं आप, इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। निडल को आप निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ से फोल्ड करके पीछे कर दीजिए, बैक साइड में इसको कर दीजिए जहाँ तक निशान है। आप देख सकते हैं, आप निडल को डाल लीजिए। अब इस तरह से देख रहे हैं आप क्रॉस, इस तरह से हम क्रॉस सिलाई चलाएंगे घुमा करके इस तरह से। तो आप घुमा लीजिए और क्रॉस में सिलाई चला लीजिए इस तरह से। एंड पे जाने के बाद फिर इसको रिवर्स कर लेंगे, और फिर जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ जाएंगे। तो देखिए जहाँ शुरू किया था हम वहीं आ गए हैं। अब इसको फिर से घुमा लेंगे, और लेस को अपनी साइड में आप खींचेंगे, पुल करेंगे हल्के से, और आप देखेंगे कि आपका ट्रायंगल शेप बहुत अच्छे से बन गया। कोई ऊपर सिलाई चलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फिनिशिंग के साथ आपका बन चुका है। अब यहाँ से हम फिर स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे। अगर आपकी लेस 1.25 इंच चौड़ी है, 1.5 इंच चौड़ी है, आप उसके हिसाब से मार्किंग करिएगा। मेरी 1 इंच थी तो मैंने 1 इंच किया था। तो इस कॉर्नर आएंगे, फिर देखिए 1 इंच पे हम यहाँ मार्किंग कर लेंगे। आपकी 1.5 1.25 जितनी है उसके हिसाब से आप निशान लगाइएगा, और फिर इस तरह से हम इसको बैक कर लेंगे। और बैक करने के बाद इस तरह से हम क्रॉस में सिलाई चलाएंगे, और फिर से रिवर्स हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं जाएंगे इस तरह से। और सीधा करने के बाद आराम से आप अपनी तरफ पुल कर लीजिए। आप देखिए इस तरह से हमारा कॉर्नर बन चुका है, और हम बस ऊपर की तरफ सिलाई करते हुए चले जाएंगे। बहुत आसान होता है इस तरह से लगाना। तो देखिए लेस लग चुकी है, अब दूसरा कॉर्नर हमें स्टिच करना, और ये बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो ये देखिए ओपन पार्ट है, इसको हम सिलाई चलाएंगे और इसको बैठा देंगे लेस को। बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर इस तरीके से आप लेस लगाते हैं तो। 1.5 जितनी भी चौड़ी आपकी लेस है उतना बस नापना है आपको, और उसके हिसाब से आपको फोल्ड कर लेना है। बहुत अच्छे से आपके कॉर्नर बन जाएंगे। देखिए हमारी नेकलाइन बहुत अच्छे से फिनिश हो चुकी है, बहुत अच्छी लग रही है, एकदम बैठ गई है। तो इस तरह से आप ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारा दूसरा नेकलाइन है, इस पर भी हम यही चौड़ी लेस लगाएंगे, और ये कॉर्नर देख रहे हैं यहाँ से मुड़ेगी। तो पहले हम जहाँ से मुड़ने का है वहाँ निशान लगा लेते हैं। आप चाहें तो ऊपर से इंची टेप की सहायता से वो कर सकते हैं, नाप सकते हैं, फिर मार्क कर सकते हैं। एक यहाँ नीचे लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये लेस ऐसे यहाँ से टर्न करेगी, फिर यहाँ से टर्न करेगी, फिर यहाँ से टर्न करेगी। तो हम वो कोना बनाना आपको बताएंगे। तो शुरू से हम शुरू करते हैं लेस लगाना, जैसे उसमें भी शुरू किया था हमने। तो निशान सिलाई चलाते हुए आप वहाँ तक जाइए जहाँ हमने फर्स्ट निशान लगाया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ से हम टर्न करेंगे, तो एकदम वहाँ तक जाइए सिलाई चलाते हुए। रोक दीजिए सिलाई को, और एक अंगुल मतलब 1/2 इंच अंदाजे से आप ले लीजिए, और उसको पीछे की तरफ टर्न कर लीजिए। प्रोसेस वही है, बट इसमें 1/2 इंच या 1 अंगुल टाइप का आपको लेना है, और फिर इसको इस तरह से क्रॉस में सिलाई चला लेनी है। फिर से वहीं आ जाइए जहाँ शुरू किए थे, और आराम से आप इस तरह से लेस अपनी तरफ पुल कर लीजिए। देखिए हमारा कॉर्नर बहुत अच्छे से बन चुका है, और इसको अब हम सीधी सिलाई करते हुए जो नीचे का है वहाँ हम जाएंगे, एकदम कोन यहाँ पे इस पॉइंट तक हम सिलते हुए आएंगे यहाँ पे इस तरह से। इसको सीधा कर लीजिए,
और देखिए लेस हमारी 1 इंच मैंने बताया था, और कॉर्नर से 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे पीछे की तरफ जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आप कर लीजिएगा, पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। और ये देख रहे हैं ये जो हमने निशान लगाए बीचों बीच, इसका कॉर्नर उससे मिलना चाहिए, इधर उधर कॉर्नर नहीं होना चाहिए। इस तरह सिलाई चला लीजिए, और सिलाई चला के फिर से आप अपने नेक पे दोबारा चले जाइए जहाँ आपने शुरू किया था, और अब आप पुल करेंगे सीधा करके तो एकदम अच्छे से कॉर्नर बन जाएगा। तो यहाँ जो नीचे का है वो थोड़ा 1 इंच पे बनाएंगे, और जो साइड में कॉर्नर्स बन रहे हैं वो हाफ हाफ इंच पे बनाइएगा। नीचे वाला आपकी लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनेगा, 1 इंच 1.25 इंच जितना होगा आपका चौड़ा लेस। तो इस तरह से हम सिलते हुए ऊपर वाले निशान पर आएंगे, और उसी तरह हम एक अंगुल पे थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे पीछे की तरफ, और इस तरह से क्रॉस करके हम सिलाई चला लेंगे। आप देख सकते हैं, फिर दोबारा उसी प्लेस पे जाएंगे जहाँ शुरू किए थे, उसके बाद लेस ऊपर कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छे से कॉर्नर बन गया। तो साइड वाला हाफ हाफ इंच पे आप बना लीजिएगा, जो नीचे का है वो आपकी लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए हमारा लेस लग चुका है, अब हम दूसरी सिलाई चलाएंगे और इसको बहुत अच्छे से बिठा लेंगे। तो ये देखिए ये ओपन साइड है, वहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे, और सिलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपका नेक बैठ जाएगा। थोड़ा बहुत झोल या कुछ चुन्नट आएगी नहीं, अगर आती भी तो आप थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं, वैसे आएगी नहीं, बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। तो देखिए हमारा दूसरा गला भी बहुत अच्छे से फिनिश हो चुका है। तो देख सकते हैं आप हमारा दोनों गला बहुत आसानी से बन चुका है, बहुत आसान है बनाना। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, थोड़े भी हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।